पति का शरीर छूट जाता है और पत्नी यहीं पे रहती है। पत्नी यहीं रहती है तो फिर उनका जोड़ा नहीं बनता, उसका जोड़ा कैसे ये गलत फहमी है कि यहाँ के पति पत्नी स्वर्ग में जाकर के पति पत्नी बनेंगे। यहाँ के पति पत्नी वहाँ स्वर्ग में पति पत्नी एक भी नहीं बनेगा। यहाँ का सब वहाँ चेंज हो जाएगा। जो नरक की दुनिया में है वो कुछ भी स्वर्ग की दुनिया में नहीं होगा। इस गलत फहमी को बुद्धि में से निकाल देना चाहिए कि नरक की दुनिया के जो पति पत्नी हैं, आखिरी जन्म के पति पत्नी हैं, वो सतयुग में और त्रेता में 21 जन्मों तक पति पत्नी बनेंगे। क्या कोई ऐसे पति पत्नी हैं ज्ञान में जो पुरुषार्थ में समान हो? नहीं है तो कैसे बनेंगे? वहां तो जन्म भी इकट्ठा मिलेगा, बच्चा और बच्ची का जन्म इकट्ठा होगा, 1 सेकंड का अंतर होगा। समान होगा है? हाँ, जिनका पुरुषार्थ समान होगा उनकी जोड़ी बनेगी। बाबा कहते तो है कि 7 फेरा 7 जन्म का बंधन है, 7 फेरा 7 जन्म का बंधन। तो 7 फेरा लगाओ ना, शादी में लगते हैं ना 7 फेरा। 7 फेरा वो तो भक्ति मार्ग की शादी है, ये 21 जन्म की शादी है।